ऐसा बेटा पैदा हो। अब पवन रेखा ने सोची कि अब क्या करें। सुबह ने काऊ ने बताई कि हमारे संगम में कहा। अब लड़कियां आपस में बोली, हो रही दीदी ओ बेना, जब घर ते तुम आई तब तुम्हारा श्रृंगार बहुत अच्छा हो दीदी, अब तुम्हारी नाक पे बेंदी आ गई, ओठन की डाली गाल पे आ गई, ये क्या दीदी? देखो तुम्हारी क्या दशा है दीदी। एक बात कहें? कहो। कहो तो ना। कैसी बातें करती हमारा तुम्हारा ब्याह संग संग हो, तुम्हारे हमारे पेट की जानती हो, हम तुम्हारे पेट की जानती हैं। पर भाई तुम्हारे साथ तो अपने पेट की बात तुम्हें बता दी, तुम्हारी संग हम अपने सभी पड़ोस में बात नहीं बताती दीदी। कभी तो कही होता ना। कैसी बात करती है दीदी? जब बगिया में हम तो मतलब बिछुड़ गई। हाँ हाँ। कंटू कंटू बंदरवा दीदी, सब चुदरिया पारेगा तुम्हें, अपने बड़े लला की किस्म है जो कहू तक सही सारा हो डोले कौन किसे डोले। बहना एक बात कहे, ये तुम्हारी दशा देख के हमें दुख हो रहा है। और बोली है, अरे कैसे बिगड़ी गई जी होलिया, बोली अरे कैसे बिगड़ी गई जी होलिया, और बता रानी कैसे बिगड़ी जी होलिया, कैसे बिगड़ी थी होलिया, ओ नया मां जानी कैसे बिगड़ी थी होलिया, मां जानी कैसे बिगड़ी का होला का मत कहियो। तो जब चली सभी लड़कियां तो जाने राजा उग्रसेन क्यों ना परीक्षित महाराज जी बताए। अब धीरे धीरे जब 9 महीना पूर्ण होते हैं पवन रेखा के, तो पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। वो लला का पैदा हो, तूफान पैदा हो, धरती तक हिल गई, आकाश तक डोल गया। और भाइयों इस बात का अनुभव करना कि जब घर में सपूत बेटा पैदा होगा तो असगुन होंगे, सगुन और कपूत होगा तब होंगे असगुन। तो सगुन में और असगुन में इतना ही अंतर है कि जब सपूत पुत्र होगा तो अच्छे अच्छे सगुन होंगे, कपूत होगा तब असगुन। तो जब उस बच्चे का जन्म हुआ था तो पैदा होते ही बालक के और आधी तूफान मचान लगी, हिल गई धुरिया जो धरती की एक महाप्रलय सी होने लगी। तो उस बच्चे का जब जन्म हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा जाता है कंस। कंस और जैसा नाम था यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था उसके अंदर वैसे ही गुण भी थे। जब कंस का जन्म हुआ और कंस की उम्र 5 साल की भाई, और जब 5 साल की उम्र कंस की हो गई तो रास्ते में खड़ा हो जाता है और कोई अंधो मिलेगा। वो अंधे ने पूछी कि भैया हमें बटेश्वर जाना, रास्ता बता।
तो कंस अंधे को पकड़ता है और कुआ के सामने खड़ा करता है, रास्ता सीधी गई है, आगे बढ़ते हैं कुएं में गिर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पूछता है कि तुम्हारे घर क्या पका है, बच्चा बोले हमारे घर खीर पकी है, बोले ऐसे नहीं मानेंगे, जीव निकालो हमें टेस्ट करवा। अब बच्चे जीव निकालते, जीव को काट देता है, ये नदी कुएं में फेंक देता है। 5 साल की उम्र में उस कंस का अत्याचार हुआ था। धीरे धीरे मेरे भागवत के प्रेमी श्रोताओं, जब कंस की उम्र हो गई 18 साल, तो 18 साल की उम्र में कंस मगध देश में पहुंचा, राजा जरासंध के यहाँ। तो जरासंध की